मंडी। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर टाउन है जो कि हिमाचल के बीचों बीच बसा हुआ है और मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर से प्लेस देखने को है जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको दिखाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं इस प्लेस पे, तो वीडियो को पूरा देखें और इस प्लेस को एंजॉय करें। हेलो एवरीवन, आज मैं आया हूँ मंडी। मीन्स अब मैं मंडी में पढ़ता हूँ VGC में। तो अब आज के बाद आपको मंडी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया मार्केट और जो यहाँ का महल है श्री माधुराय जी का मंदिर वहाँ। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बस स्टैंड के पास और यहाँ से जाएंगे हम पुल क्रॉस करके इंदिरा मार्केट, और वहीं पे है सेरी मंच और माधुराय जी का मंदिर। तो ये है मंडी की ITI जो कि रोड के साथ ही है, और आप यहाँ देख सकते हो कि हिमाचल के 50 साल पूर्णाजत्व के होने पर यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई है। वाओ, कितनी सुंदर है। सो फ्रेंड्स, ये है मेन मार्केट के लिए पुल, बहुत बड़ा पुल है। तो ये है नया वाला पुल और वो सामने है पुराना वाला पुल, और नीचे है सुकेती खड्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू भीमा काली मंदिर को दिखाया गया है। ये वाला मंदिर भी आपको जल्द ही एक्सप्लोर कराऊंगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाज़ार, वो सामने है गेट इंदिरा मार्केट का। तो चलिए चलते हैं इंदिरा मार्केट और दिखाता हूँ आपको पूरी मार्केट का गार्डन। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से जो मंडी की मेन मार्केट है, इंदिरा मार्केट है, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चराइज किया गया है, बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि बीच में जो है वो घंटा घर है और गार्डन बनाया गया है, उसके चारों तरफ शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाएगी। और ये है मंडी का राजमहल और यहीं पे है माधुराय जी का मंदिर जहाँ हम जाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ अंदर से भी इंडिया मार्केट। तो इसके दो फ्लोर्स हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, मतलब जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और आप इधर गार्डन में आ सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, बहुत ही पीसफुल सी जगह है और मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है इसको, बहुत ही सुंदर। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे, और ये है नीचे वाला फ्लोर। अभी हम चलते हैं बाहर गार्डन, आपको दिखाता हूँ गार्डन कितना सुंदर है, कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। वाओ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब वाओ। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेयर्स बनाई गई है बैठने के लिए, और ये सामने है घंटा घर, और आप देख सकते हो कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है इस घंटा घर पे। सो फ्रेंड्स, इस टाइम है हम इंदिरा मार्केट में। इंदिरा मार्केट के नीचे जो गार्डन है घंटा घर के पास, वहाँ ये देखो। तो चलो यहाँ से चलते हैं ऊपर। मुझे Thank you.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अमर जवान हैं उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। जय हिंद। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, आप किसी भी तरफ से जा सकते हो। और इस तरह से आप ऊपर शेरी मंच पे निकलोगे। ये हम निकल चुके हैं ऊपर शेरी मंच पे। तो यहाँ शेरी मंच पे आपको आत्मनिर्भर भारत की एक झलक मिल जाएगी, जिसमें औरतें अपने जो घर पे बनाई हुई वस्तुओं को बेचती हैं, चाहे वो स्वेटर्स हो या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें हो, अचार हो इत्यादि। जो ये आप सामने देख रहे हो ये है ऐतिहासिक शेरी मंच, जहाँ पे बहुत से फंक्शंस होते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको नज़ारे। आप सामने पेंटिंग देख सकते हो कितनी सुंदर है। सो फ्रेंड्स, नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें हमारी संस्कृति को दिखाया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई गई है इस प्लेस की। और यहाँ से राजमहल होटल स्टार्ट होता है, अब जो वो होटल भी बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत पहले किया जाता था और अभी भी कितनी अच्छी तरह से वेल मेंटेन है ये। और अब चलते हैं अंदर। और ये सामने है डीसी ऑफिस, और ये सारी बिल्डिंग डीसी ऑफिस के अंदर आती है। और ये सामने है राजमहल, जहाँ की माधुराय जी का मंदिर है। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर काष्ट कला की गई है। वाओ, मतलब बहुत सुंदर तरीके से इस महल को बनाया गया है, बहुत सुंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं इस महल पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मंडी के बारे में। वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करिए और यहाँ मंडी व माधवराय मंदिर के बारे में पढ़िए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मंदिर के बारे में और मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी हम माधवराय जी के मंदिर में, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। वैसे ये राजमहल ही है और ये यहाँ पे माधवराय जी का मंदिर है। तो चलिए अंदर से सारा दिखाता हूँ आपको मंदिर। चलिए, राजमाधवराय जी के मंदिर की स्थापना राजा सूरज सेन ने अपने शासनकाल के दौरान की थी, जब उनके 18 पुत्रों की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई थी। तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करके श्री राजा माधवराय जी को अपना पूरा राज्य सौंप दिया था। राजा राजमाधवराय जी श्री विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और अंदर सामने आप देख सकते हो राजा राजमाधवराय जी की पालकी व मंदिर। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि जब मैं वहाँ गया पहुँचा तो यहाँ पर आरती हो रही थी, जय हो राजा माधवराय जी की। और जो राजा माधवराय जी हैं वो मंडी जनपद के प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं और मंडी शिवरात्रि में जलेब का नेतृत्व करते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस गाना भी है, लोकगीत भी है, आगे आगे चले दा मंडी यारा राजा, हो पीछे चले दी जलेब आगे आगे माधुराय रे पल की जे चल दी, हो पीछे चल दी जलेब सारी। मेरी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने गा दिया है ये हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग। तो आप देख सकते हो कि मंदिर पे कितनी सुंदर काष्ट कला की गई है। ये सामने मंदिर है और ये सामने है महल, जिसमें राजा राजमाधवराय जी रहते हैं। और इस महल पे कितनी सुंदर काष्ट कला, कितनी सुंदर पाषाण कला की गई है। ये जो महल है वो पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है। आप देख सकते हो कि शिल्पकारों ने किस प्रकार से इस मंदिर पे डिज़ाइंस बनाए हैं, चाहे वो लकड़ी से बनाए हों, चाहे वो पत्थर पे बनाए हों, चाहे वो चित्रकला की गई हो, बहुत ही सुंदर बनाया गया है इस मंदिर को। तो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर।
अब चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर के पास ही है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये, और ये इंदिरा मार्केट में ही एक मंदिर है सिद्ध काली माता का। तो जय हो सिद्ध काली माता जी की। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का करता हूँ मैं यहीं पे एंड। अब आपको मेरी जो मैक्सिमम ब्लॉग्स हैं वो मंडी के बारे में, मंडी के फेमस स्पॉट्स के बारे में ही देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।